Pura loya mare, 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 pura loya mare
ज्ञानांजन तलाकया चक्षुरुन्मीलितं
ಸಂಗೀತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರ ರಾಧಿಕಾಯ ಇಷ್ಟದಾಲಯೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ತದ್ಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ 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 ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ಜೋರ್ ಕರೆ ಬೋಲ ಬಲ ಹರಿ परिक्रमा करते करते अभी जिस मंदिर में हम उपस्थित हुए हैं ये श्री नारद कुंड है, श्री नारद कुंड है। लेकिन जगत में नारद जी का बड़ा बदनाम है। कभी कभी हम कथा कथा में बोलते ना तो क्या नारद जी का काम कर रहे हैं, मतलब क्या तुम लड़ाई झगड़ा लगा रहे हो? ऐसे नहीं, यदि ये नारद जी के बगैर भगवान की कोई भी लीला नहीं हुई। अगर किसी रामायण का मूल में देखो तो श्री नारद जी ने ही भगवान को अभिशाप दिया था, अभिशाप दिया था। जैसे ये लड़की को पीछे तुमने मेरे को दर दर तुमने भटका दिया, उसी तरह एक दिन इसी लड़की को पीछे तेरे को भी दर दर भटकना पड़ेगा। वही श्री लक्ष्मी जब श्री सीता रूप धारण करके आए भगवान राम को, उसको पीछे जब रावण उनको उठा करके ले गया, उनको हाँ सीते बोल करके वही लीला के कारण बने। कहते श्री कृष्ण लीला देखो, कृष्ण लीला का मूल भी नारद जी। नारद जी ने ही कंस को आकर भड़काया, बोले तेरे को पता है ये कौन है, ये कृष्ण बलराम कौन है, मतलब कि कौन है? बोले ये और कोई नहीं, ये वसुदेव देवकी का ही बेटा है। बोले ऐसे कैसे हो गया? बोले तू नाक में सरसों देकर सोता रह गया और ये वसुदेव महाराज कहा था सारे बच्चे को तेरे को दे देगा, और रात रात पहुंचा दिया गोकुल में, रात रात गोकुल में पहुंचा दिया। इतना सुनकर तो कंस जी भड़क गए, मयान से तलवार निकाला और मारने के लिए दौड़ पड़ा। इतने में नारद जी ने कहा देखो जोश में अपना होश को मत खोया करो, सब चीज हाँ देख सुन कर काम करो। अभी कृष्ण बलराम को बुलाओ यहाँ पर, जैसे तुमने एक एक करके पुतना सकटासुर अघासुर को भेजा वो मारते रहा ना, अभी भी तुम लोग आठ आठ भाई है, कोवल या हस्ती है, इसलिए चारों मूर्ति के है, अभी तुम भी उनको बुलाओ। अब बुला करके यहीं पर उसको बुलाओ तो छक्का छुड़ा दो। बोले भैया गुरु जी के बगैर ज्ञान ही नहीं होता है। बोले बढ़िया, गुरु जी का ज्ञान किया इसलिए उन्होंने कृष्ण बलराम, इसलिए हर लीला को पीछे देखो श्री नारद जी है। इसलिए किसी का नाम नारद, इसका मतलब क्या है? बोले नारद जो रद्द करने होता है, नर मतलब होता है रस, तब मतलब सबका जो रस देता है, नर मतलब ज्ञान, सबको जो ज्ञान प्रदान करता है, नर मतलब भक्ति, तब मतलब सबको जो भक्ति देता है, नर मतलब आसक्ति और तब मतलब होता है खंडयति, है कहते सभी जीवों का जो भव बंधन को जो नष्ट करने वाले श्री ये नारद जी है। श्री नारद बाबा की अभी प्रश्न है, कहते ये नारद जी यहाँ पर कैसे आ गए और उन्होंने क्यों आए, इसका क्या कारण है? इसका दो कारण बताया। पहला कारण है जिस समय गोकुल में श्री राधा रानी जन्म ग्रहण की, रावल में जन्म ग्रहण की, और नारद जी ढूंढ रहे थे श्री राधा रानी कहाँ, क्योंकि कृष्ण तो जन्म हो गया गोकुल में, कृष्ण कभी अकेले आएंगे नहीं, जरूर उनके लिए हाजिरी शक्ति पराशक्ति श्री राधा रानी की कहीं जन्म ग्रहण किया है। अभी उन्होंने गली गलियों में सर्वत्र ढूंढ रहे हैं राधा रानी का, राधा रानी का। आते आते जब उन्होंने रावल में आए, पूछा भैया तुम्हारे घर में कोई बच्चा जन्म हुआ है? उन्होंने श्रीराम भैया को देखाया, बोले नहीं कोई लाली भाई है। चुप हो गए, बोले हाँ एक लाली भी भाई है। बोले ला करके दिखाया तो वही श्री राधा रानी। बोले इन्हीं को ही तो मैं गली गली में ढूंढ रहा था। हैं अभी नारद जी थोड़ी सी उनको स्तुति करना चाहते हैं, उन्होंने देखा इनको तो भावना, ये मेरी हमारी लाडली लाली, ये हमारी लाली, इनको पता नहीं यही रमेश्वरी रमेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी हाँ प्रमाण शासन, इनको पता ही नहीं। इतने उन्होंने बहाना बनाए, कुछ
चावल रोली कुछ दूध घास फूल ले आओ, तुम्हारे लाली तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। जब अंदर में गई ना, इतने में राधा रानी की सुलझ हो गई, सब सखियां वहां पर प्रकट हो गए। ललिता बोली, बाबा क्या देख रहे हो, अभी अभी राधा रानी अंतर ध्यान हो जाएगी, जल्द जल्द स्तुति करो। इतने में नारद जी बोले, मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र मायुरंगिणी ब्रजेन्द्र सुन संगति कदा राधा रानी बोले, देखो नारद जी, मैं तुम्हें पुनः गिरिराज सहज में पुनः तुम्हें दर्शन दूंगा। इसी लोक से श्री नारद जी यहीं पर आकर के उन्होंने साधन भजन किया। बोले ये एक कारण है। दूसरा कारण बताए, जब श्री नारद जी शंकर जी से अष्टकालीय लीला को उन्होंने श्रवण किया, श्रवण करके अभी उनको ब्रज भक्ति उनकी गोपी भाव से इनके आसक्त हो गया। अभी गोपी भाव को ये ब्रज रागा का भक्ति प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है। इतने में बोले, देखो जब तक श्री वृंदादेव की कृपा नहीं होना, जब ये ब्रज भक्ति ये रागा का भक्ति गोपी भाव को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। तब उन्होंने वृंदाजी की शरण में गए, जा करके वृंदाजी ने कहा, देखो जब तक ये गिरिराज की कृपा नहीं हो, हम श्रवण कर रहे थे ना कुछ दिन पहले, राधा रानी स्वयं कहती है, हंताय अति अबला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण बसम प्रमदम। कहते जब तक श्री गिरिराज गोवर्धन की कृपा नहीं हो भैया, तब तक ये राधा कृष्ण की दिव्य लीला में कोई प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक स्वरूप में गिरिराज गोवर्धन कौन है, केवल हरिदास नहीं, यदि ये हरी दासी भी गिरिराज गोवर्धन। इसलिए जितने हमारे गोस्वामी हुए, जब उद्धव जी को पता चला ब्रज भक्ति को, उन्हें कहीं पर उन्होंने घास रूप में जन्म लिया। सनातन गोस्वामी रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी कितना प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयति नव जून द्वंदम अस्मिन मंदम ईत कील कलनार्थ लग्न कस्तोयर में निज निकट निवास दहि गोवर्धन पुण्यत्वम। जितने हमारे गोस्वामी हुए हैं, सबके सब गिरिराज तलग में बास मिलने की प्रार्थना किया है। इसलिए नारद जी ने देखा, जब तक गिरिराज की कृपा नहीं होना, तब तक ये ब्रज भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए नारद जी यहीं पर आकर उन्होंने यहीं पर श्री तपस्या किया, और वहां पर देखा ना एक नारद जी का मूर्ति, कहती ये नारद ये गोपी है, नारद ये गोपी है, गोपी रूप में नारद जी को दर्शन करो। उन्होंने गिरिराज की कृपा से ही उन्होंने नारद योग ने गोपी रूप को धारण किया है। इतने ये गिरिराज गोवर्धन की इतने महिमा श्री गिरिराज गोवर्धन की, बोले श्री गिरिराज महाराज की। यदि ये नारद जी परम भक्त हैं, इनकी कृपा के बगैर किसी जगत में किसी को भी अगर भक्ति मिला है ना, आप देखोगे जब तक श्री नारद जी की कृपा नहीं हुई, तब तक ये भक्ति किसको मिली नहीं। विशेष करके इनकी चार चले हुए हैं, तो बालक और तो वृद्ध है। तो बालक कौन हुए, इनका तो बहुत वैसे चलाई चलाई चलाए। तो बालक कौन हुए, बोले के ध्रुव जी हुए और एक प्रहलाद हुए। इन्होंने इनकी कृपा ऐसे है, इतनी कृपा इनकी है, कितना तुलया लबना पिना स्वर्ग ना अपुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मत्य नाम किमता शिष्य। अगर इनकी कृपा अगर किसी जीव के ऊपर हो गया ना, कहते तुलया लबना भी, कहते एक लव साधु संघ की इतने महिमा है, अगर एक लव किसको अगर नारद जी कृपा हो गया, कहते उनका जीवन कल्याण जीवन धन्य हो गया। अगर किसको पर नारद जी की कृपा हो गई, ध्रुव प्रहलाद से कितना दिन उन्होंने मिले हैं, ध्रुव जी को साथ में केवल एक बार, केवल उन्होंने एक मंत्र ही दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, उन्होंने मंत्र दिया है। बस इनकी कृपा से ही इन्होंने 6 महीना के अंदर में उन्होंने भगवत प्राप्ति कर लिया, 6 महीना में। और श्री प्रहलाद को तो गर्भ में रहते रहते, डायरेक्ट की बात छोड़ दो, वो गर्भ अवस्था में रहते रहते उन्होंने ऐसे कयाद को हरि कथा सुनाई, ऐसे उन्होंने हरि कथा सुनाई गर्भ में रहते रहते। जब उन्होंने बालकों को उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्रदान की हैं, बच्चों को उन्होंने सुंदर सुंदर कथा बोले, बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदापि अधूर्वम आसनम। उन्होंने जो अद्भुत ज्ञान की बात बताई,
बोले बच्चों भगवत भक्ति बचपन से कौमार उम्र से करनी चाहिए। बोले जब बड़े हो जाएंगे करेंगे। बोले कोई गारंटी कर रखा हुआ है? बीच में अगर बोलो हरी हरी बोल हो गया, राम नाम सत्य हो गया तो? बोले ये तो अगली जीवन में करेंगे। बोले दुर्लभ मनुष्य जन्मम, ये 184 जन्म के बाद एक बार मिला है। उन्होंने ऐसे ज्ञान की बात उन्होंने बताए। बोले नाथ प्रसाद तुमने सब ज्ञान कहाँ से मिला? हमारे गुरु तो ये संधामर गए, इनको ही देखा। बोले नहीं, मैं जब माँ के पेट में था ना, इंद्र मेरे माँ को पकड़ करके ले जा रहा था, नारद जी बीच से आए और मेरे माँ को लेकर गए। कहाँ पर? यहीं पर उन्होंने 60,000 साल तक उन्होंने कयालु कथा सुनाया और गर्भ में रहते रहते। बोले मेरे को नारद जी की कृपा से ही हमें ये भगवत भक्ति नारद जी की कृपा से मिले। कहते इनका तो वृद्ध चले हुए। बोले कौन कौन? बोले एक श्री हुए श्री वाल्मीकि हुए हैं, जो दशरथनाकर था। केवल एक दशरथनाकर हो साथ में, केवल एक बार भेंट हो गया। बोले बाबा क्या माल पानी निकालो। बोले भैया हम संत हैं, हमारे पास में तो लोटे सोटे लंगोटे के सिवाय कुछ है नहीं। बोले जो कुछ हो निकालो। बोले तू ये पाप कर्म से कमा रहे हो, बताओ इसको पाप कर्म कौन लेगा? बोले मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पिता माता। बोले पूछ करेगा? पूछने के लिए गए तो कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं हुए। बोले भैया तो बड़ा विचित्र है, कैसे है ये दुनिया कैसे? बोले आप कैसे है? बोले जब तक जेब में पैसा है। पैसा कर आप कैसे नहीं, तुम कौन हो? तुम कौन हो? जगत बड़ा ऊपर से दिखता है, क्या हरी भरी, क्या प्यारी, क्या सुंदर है, लेकिन अंदर में दुख घुसोगे ना, संसार दावा नरली लोगो। देखा कोई भी लेने के लिए चाहिए नहीं, इसलिए उन्होंने ठहर आए। बोले भगवान का नाम लो, बोलो राम, बोलो बोला बोला, लेकिन वो इतना बड़ा पापी था, उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। बोले तो बोलते था मारो मारो। बोले हाँ। बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बस उल्टा नाम जब तक चले जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, अरे नाम ले तब सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मन मारी। एक बार भेंट हुआ तुमको दस्यु से, उसके वाल्मीकि बना दिए और दिव्य ग्रंथ उन्होंने ये रामायण लिखे। दूसरा जो चले हुए थे व्यास थे, जब व्यास देव जी सारे ग्रंथों को लिखे, लेकिन उनको शांति नहीं मिली, केवल नारद जी कृपा से ही उन्होंने भागवत ग्रंथ को उन्होंने रचना किया है। इसलिए नारद जी अपना आत्मचरित्र को सुनाया। बोले देखो मैं अपना जो गुरु है शिष्यों को क्या सुनाता है। मैं अभी अभी महाराज लोग वहां पर कथा कर रहे थे ना, वहां पर कैसे हम लोग पहले मंदिर में आए, कैसे हम लोग ने गुरु जी की जीवन दे करके कैसे गुरु सेवा की। जब तक गुरु सेवा कोई नहीं करता है ना, कोई सोचे नहीं ये सेवा सेवा करने का कोई जरूरत नहीं, आएंगे ग्रंथ शास्त्र पढ़ेंगे श्लोक रटले हो जाएगा। भैया नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए श्री ये बात को कृष्ण स्वयं कहते हैं, ना अहम विद्या प्रजाति तपस उपसमने वा तुस्य अहम सर्वभूतात्म गुरु सुश्रुषया जता। ये कौन कह रहे हैं? बोले कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। बोले हे श्री सुदामा जी, जब तक गुरु जी का कोई सेवा नहीं करता है, वैष्णव का कोई सेवा नहीं करता है ना, पूजा पाठ शोधाय को तरफ कुछ नहीं होता है, जितने रट लो कुछ होने वाले नहीं। लेकिन जब गुरु जी की वैष्णव की हम सेवा करेंगे, जब उन्हीं की कृपा होगी तभी हो सकता है। इसलिए नारद जी ये बात स्वयं कहते हैं व्यास देव को। बोले व्यास देव इतने जल्दी ये 5 साल उम्र में मेरे को भक्ति मिली कैसे? बोले केवल एक ही कारण, केवल संत सेवा से, केवल वैष्णव सेवा से ही। हाँ, क्योंकि हमारे को साधन भजन हम नहीं कर सकते, हमारा साधन भजन कर से पर नाम देव सक्षम नहीं। जब हम गुरु वैष्णव करे सेवा करोगे और आज अपन हृदय थे के आशीर्वाद जीवे ना, हृदय थे के प्रसन्न हो जावे, जब हृदय थे के प्रसन्न हो जावे। हाँ, कृष्ण जे रकम गुरु सेवा कर ले, कृष्ण केवल हमारे गुरुदेव के चलो शांति बने ऋषि, बस गुरु सेवा देखे माथा हाथ रखे दिलो तो सब हृदय स्फूर्ति सब हो गलो, सब उसके हृदय में स्फूर्ति हो गई। इसलिए गुरु सेवा वैष्णव सेवा की बड़ी महत्व है। इसलिए कोशिश करना। और एक मिनट, इसलिए और एक घटना है, जिस समय श्री दक्ष प्रजापति हैं 10,000 बच्चों को उन्होंने जन्म देकर भेज दिया। बोले जाओ लिखा बड़ा सीखो। बोले गुरु जी कौन? बोले नारद जी। बस नारद जी से भेंट हो गया तो नारद जी गुरु। जब उनके विद्याध्ययन शेष हो गए ना, अभी वापस जाना चाहते हैं, नारद जी ने कहा देखो अभी तुम संसार में जा रहे हो, जानते हो संसार कैसे, अगर इसका सही सही स्वरूप नहीं जानकर गया ना, बस वो फंसोगे तो निकलना बड़ा कठिन है।
इसलिए नारद जी को कुट प्रश्न किया। उनका पहला प्रश्न था, ये बताओ ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को नहीं घुमाते हैं, वो चक्र अपने आप घूम रहा है, बता सकते हो ऐसे कौन सा चक्र? बाबा तो पटक बैठे, इसलिए कहते ये काल चक्र है, हैं? ये काल चक्र, इसको कोई घुमा नहीं रहे, जन्म किए बड़े किए लिखा बड़ा सीखा नौकरी चक्र साथ सुधा किया बस राम नाम सत्य है, मतलब सभी का चक्र तो घूम रहा है लेकिन एक का चक्र घूम नहीं रहा है, सभी का चक्र काल चक्र समझता हूँ, क्योंकि ये काल चक्र इसके फेर से कोई नहीं निकल सकता है, लेकिन बताए सभी का चक्र तो घूम रहा है लेकिन एक व्यक्ति का चक्र बंद है, यही कैसे? वह किसका चक्र है? बोले तस् सरिते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया, जितना समय हम हरि कथा गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं, भगवान की भजन करते हैं, केवल उतना समय ही हमारी ये काल चक्र वहीं पर स्टॉप है, क्योंकि काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास, दुनिया काल चक्र को डरता है लेकिन चक्र काल चक्र किसको डरता है? बोले वैष्णव को डरता है, बोले क्यों? बोले भगवान की कीर्तन भजन भजन करते हैं। दूसरा प्रश्न बताओ तो ऐसे कौन सा बील है जो बील में एक बार कोई फंस जाए ना जिससे निकलने का रास्ता नहीं मिलता, बोले गुरु जी बील में घुस जाएगा निकल ही जाएगा, बोलते यही तो प्रश्न है, अगर इस बार घुस जाए ना निकल नहीं सकते हैं, बता सकते हो कौन सा बील है? बोलो कौन बोलेगा कौन सा बील है? अरे जोर से बोलो, बोले ये घर गृहस्थी ये संसार है, हैं? एक बार घुस गया ना सोचते हैं मत हो गया, सोचते हैं बेटा को जन्म दे देगा हो जाएगा, बेटा को लिखा पढ़ा सिखाए तो हो जाएगा, बेटा का नौकरी चाकरी देंगे हो जाएगा, अरे बेटे को शादी करा दिया ना बस घर का सारे काम था, तुमने जब से शादी करा दिया ना वो प्यार दबाई वो गला में दबाई, इसलिए जब शादी हो गया ना क्या बोलेंगे, अगर कहीं पहले तो सत्संग में हरी कथा में चली जाती थी, जब शादी हो जाएगी ना बेटा जन्म नाती पोती बोले टोकरी का कोई काम धाम नहीं तोड़ती रहती है धाम धाम में, इसका पहले तो सत्संग में कहीं चली जाती थी, जितना ये संसार में अगर फंस गया ना जितना निकलना चाहो उतना दल दल में फंसते रहोगे। उनका जो तीसरा प्रश्न बताओ तो ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र बात करता है, बोले गुरुदेव हंस थोड़ी बोलता है, बोले यही तो चक्र है, ऐसे कौन सा हंस जो विचित्र बात करता है, बोले हमारे वेद पुराण उपनिषद ये सब विचित्र बात करता है, बोले क्या बात करता है, बोले ब्याज तो गढ़ है, अपना घर में वापस चलो, ये तुम्हारी घर नहीं, तुम रिफ्यूज होकर के यहाँ पर आए हो इसलिए अपना घर में चलो, कहाँ जब तत्वा न निवर्तते तथाम परम मम, जहाँ जाने पर जिंदगी वापस नहीं आता है, बोले पिताजी का आदेश किया है, बोले पिताजी का केवल एक आदेश है भगवान और कोई हमें आदेश नहीं दिया है, क्या आदेश है? स्मर्तव सततम विष्णु विस्मर्तव न जातु चिता सर्वे विधि निषेधा श्रोतया एव किंकरा, केवल भगवान की एक आदेश है हर समय उनका भजन करो, निषेध किया है कभी उनको भूल मत, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं श्रुति सिद्धांत इह गुरु गारी भगिय राम सब काज विचारे, जितने शास्त्र ग्रंथ एक ही आदेश करता है सारे काम धंधा को छोड़ो क्या करो भगवान की भजन करो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एक एक केवल आदेश और कोई आदेश नहीं, इसलिए नारद जी हर लीला में महाप्रभु लीला में श्रीवास प्रदीप कृष्ण लीला में कौन है, बोलो कृष्ण लीला में कौन है, कृष्ण लीला में नारद जी, अरे कृष्ण लीला में बोलो क्या सर क्या सिखावन कर हमारी बेड़ा पार हो जाए, इसलिए नारद हम सबको ऊपर आशीर्वाद दे, सबको ऊपर कृपा करें, उनका नाम ही नारद है, तब मतलब खंड ऐसी आसक्ति का जो खंडन कर देते हैं और हमारे जो संसार में आसक्ति है ना इनकी कृपा से ही खंडन हो सकता है। कल हम लोग जयपुर जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कितना सवेरे सवेरे जा करके जैसे तीन दिन रहते हुए आ जाए, इसलिए हम कोशिश करेंगे सवेरे कल एकदम 4 बजे सवेरे यहाँ से हम बस छोड़ दें,
और जैसे 3 दिन रहते रहते हम यहाँ वापस कल के जरा नाम दिए थे हम अगर गाड़ी सामने था जो आगे आगे ना वो आगे सीट पे बस जाए जो आगे आएगा वो आगे सीट में बैठेगा अब जो पीछे आएगा ना वो पीछे सीट में बैठना पड़ेगा इसलिए जो आगे आ जाएगा वो आगे कल हम लोग गोविंद देव दर्शन करेंगे गोपीनाथ को देखेंगे इसी महीना का अधिष्ठान देवता राधा दामोदर को देखेंगे राधा विनोद जो साक्षात बात करते थे और फिर कवि जयदेव गोस्वामी का राधा माधव और लास्ट में जो कलका गली यहाँ पर उनको शास्त्रार्थ बलदेव विद्याभूषण प्रभु के साथ भी शास्त्रार्थ हुई वो स्थान पर सब जाएंगे लेकिन जल्दी जाएंगे ना जल्दी दर्शन करके तीन रहते हुए आ जाएंगे इसलिए जिन लोगों ने नाम लिया दिया है आ जाना अगर किसको इच्छा हो जाने की अगर यदि कार आ रही इच्छा था कि यदि आज दोपहर में जब बोलते पड़े चले अपना तरह हमारे जीते बार अगर दोपहर का अगर बोलोगे कोई जाने के लिए अरे आपको हम कोशिश करेंगे लेने के लिए हरे कृष्ण महावीर महाराज से महावीर महाराज ए महावीर अभी तो आए थे देखुन महाराज जी हरि कथा बोल लेन ना বলছেন আমার জন্য কি ছেড়ে দিয়েছো যৈছে ইষ্টতে প্রসাদ গুঞ্জিয়া অবশেষ রাখেন কিছু সেবক লাগিয়া এখন উত্তম প্রভু বলবে বাংলায় পরে বলে দেওয়া হবে উনি বললেন নারদ ঋষি চারটা প্রধান শিষ্য দুজন হলেন বালক পরে তারা বড় বড় মহারাজ হয়েছেন নারদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ পরে ধ্রুব মহারাজ আগে উত্তম ইংলিশে বলবো পরে আমি বাংলায় বলবো ज्ञानद्विदश्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे पहले को दस मोट के अपशी गुरु गौर अंग परफेक्टिंग आवाज ब्रजमंडल परिक्रमा वी हैव अराइव्ड दिस प्लेस कॉल नारद कुंड श्री नारद ऋषि इज वेल नोन इन ऑल द संप्रद आज द स्पिरिचुअल मास्टर नॉट ओनली द बट द ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर the eternal associate of the Lord, who demonstrated the pure devotional service to all the jivas. Without getting mercy of such spiritual master Narada Rishi, daily it is very difficult to enter into devotional service. In this very place, Krishna, along with all of his cowherd friends, especially the Braj Gopis, they used to perform so many beautiful pastimes. Sometimes it's nearby Sikusum Sarovar, Radha Kundi is also nearby. Radha Krishna, along with thousands and thousands of Sakhas and Sakhis, they used to perform so many wonderful pastimes here. So being attracted by this sweetness of Radha Krishna's amorous pastimes, Narada Rishi came here to perform his bhajan. And to deeply enter into this Madhurya Rasa. We have known in the Rairabandha Sambhad, Mahaprabhu is inquiring what is the goal of human life. And Rairabandha, one after another, is beginning from Dharma, Varnashram Dharma, and up to the last limit of pure love and affection of Srimati Radharani, Prema Vaichitya. So, by this conversation between Rai Ramananda and Mahaprabhu, it is very clearly mentioned that if somebody is really wants to enter into the Madhurya Rasa, in the pure devotional service in the mood of Madhurya Rasa, he must have to perform this Raganuga Bhajan. Raganuga Bhajan. So Narada Rishi coming here and he is also showing us how to perform this Raganuga Bhakti. Without Ragatmika Bhakti, nobody can enter into Braj. And then what to speak of to this place of Radha Kund. The pastimes here is very, very deep and very, very confidential. So Narada Rishi is showing that one must to
Under the guidance of Rupanuga Vaishnavas, Guru and Vaishnavas, he must perform Raganuga Bhakti. Only performing Aishwaryamula Bhakti, one can attain the Vaikuntha planet, the service of Lakshmi Narayan. But the service of Radha Krishna is not so easy to attain. And Narada Rishi is showing that how so many Srutis, Upanishads, they have performing bhajan under the guidance of the Braj Gopis, they have attained the lotus feet of Srimati Radha Thakurani. And in the other side, Lakshmi Devi, at the concert of Lord Narayan, without taking shelter, without under the guidance of the Braj Gopis, though she performing so many severe austerity in Vrindavan, still she couldn't get the service of Radha and Krishna in Braj. So Gopi Anugatya Vina Aishwarya Gyane Bhajileha Nai Paya Rajendra Nandane Tahate Drishtanta Lakshmi Karila Bhajan Tathapina Paila Braje Rajendra Nandan. Narada Rishi is the Jagat Guru, and in this line all of our Guru Vargas, our Guru Parampara headed by Sri Rupa Goswami, Narottam Das Thakur, Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, and Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj and our beloved Sri Gurudev, they are more emphasizing this Raganuga Bhakti. And Narada Rishi living here, he is always deeply absorbed in this pastimes of Radha and Krishna, completely following the footsteps of the Braj Gopis. And at the end, when he attains perfection, he takes the form of a Naradiya Gopi and engages in the very confidential service of Radha and Krishna in their pastimes. Without this, because the love of the Gopis are so crystal, so pure, there is no sense of one's sense enjoyment. Sahaj Gopira Prem Nahe Prakruta Kam. This is not any material lust at all. It is natural. It is in their constitutional form. This love is eternally present there. They don't have to perform any sadhana to attain this love for Krishna. They are natural. The love of the Gopis are natural. We have to perform so many practices, so many sadhans. Waking up in the early morning, coming to Mangal Arati, then attending the classes, chanting the fixed numbers of Harinam. So many sadhans we have to perform, but the Braj Gopis, their love is natural. They don't have to perform any types of sadhana and bhajan, because this love is in their constitutional form. It is complete natural, completely pure, completely crystal. That's why Krishna is affected by their love and affection. This is called Ragatmika Bhakti. Ishte Swarasiki Ragaha Paramo Avishtata Bhavet Tanvaija Bhavet Bhakti Sattva Ragatmiko Dita Ragatmika Manushutam Jahasa Raganuga Uchyate. Those who are following these footsteps of the Ragatmika Janas, Ragatmika Jan means the Brajabasis, Radha, Lalita, Vishakha, all the Brajagopis and the Sakhas. So those who are in this Madhujaras, they are following the footsteps of the Brajagopis, and they are called Raganuga devotees. And among them, our Chaitanya Mahaprabhu and all of his associates, they also showed the same path of Raganuga Bhakti, especially Sri Rupanuga Bhakti. So Narada Rishi showing us how we should follow the footsteps of our Braj Gopis, and especially all the Braj Gopis came in this Chaitanya Mahaprabhu's pastimes as the Goswamis, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, all of the Goswamis, they used to wander here in this Braj, especially in the bank of Radhakund, Manas Sarovar, in Govardhan. Our Srinivas Acharya have mentioned that Radha Kundatate Kalinda Tanaya Dija Vanshibate Premon Madh Vasad Ashisha Dasaya Krasto Kayan Taucha Kada. So in this way, all the Goswamis, they also wandering here, and he performed such type of sadhana and bhajan, and showed us how to perform this sadhana and bhajan under the guidance of our Gurudev also. When he used to perform his Parikrama, Brajamandal Parikrama, he used to come and explaining so many beautiful pastimes in this same mood of the Brajabasis, and completely showering his mercy in the form of this nectar and Harikatha. And he was trying to
develop some greed in the heart of the sadhaks. When we develop this greed to enter into this Raganuga bhajan, then this greed is the only value to attain this. Without having this greed, we cannot never attain these things. Tatra laulyamapi mulyam ekalam janma koti sukrutari na labhyate. Our Gurudev used to say that we are performing this parikrama not only for some sukruti. This is a very special type of bhajan anga. It is not only for sukruti. Other people, those don't follow any footsteps of the Goswamis, they are doing for the sukruti. But our, this is a very strong sadhana anga to enter into Raganuga Bhakti, to Raganuga Bhakti. So we are very, very fortunate, all of our Gurudevs, Guru Vargas, they have brought us here and reminding us how we can follow the footprints of our Gurudev and all of our Guru Vargas and especially Srinara Doshi. Pancha Kalpatarvesh Shukupati. ছোট কার জন্য বলে শ্যাম সুন্দরের জন্য, তো ওনাকে
দেখে করে দিন মাপ দিয়ে বলে উনি তো দেরি আছে বলে আমি ব্যবস্থা করছি। নারদ কি করলেন, শ্যাম সুন্দর জানি কৃষ্ণকে ডেকে আনলেন যে প্রভু এখানে বসুন, বসিয়ে দিয়েছেন, বলছে ললিতা দেবী আপনার ফুলের মুকুট বানাবে, ই করবে, একটু বসুন। মা আপনি ফটাফট বানিয়ে সাজিয়ে দিল। তখন নারদ বলছেন, প্রভু আপনাকে আমি রাধারানীর সঙ্গে ঝুলতে দেখেছি, বিশাখার সঙ্গে দেখেছি, চিত্রা, চম্পকলতা, ইন্দুলেখা, তুঙ্গবিদ্যা, রঙ্গদেবী, সুদেবী সকলের সঙ্গে ঝুলতে দেখি, ললিতার সঙ্গে ঝুলতে দেখি নাই। বলে কেন সকলের সঙ্গে ঝুলি? প্রভু আমি একদিনও দেখি নাই, প্রভু একটু ঝুলুন না, ঝুলুন। যদি আপনি কারো উইক পয়েন্ট জানেন না তাহলে ওনাকে দাবাতে পারেন। কৃষ্ণের উইক পয়েন্ট কি? উনি ভক্ত বৎসল। নারদ বারবার কাতকুতি মিনতি করছে, আর কি করবে, শুনতে হবে। জগতের মাতা পিতা হলেন সন্তান বৎসল, গুরুদেব হলেন শিষ্য বিশেষ সেবক বৎসল, আর ভগবান ভক্ত বৎসল। নারদ বারবার বলতে বসেছে, দুজনে ঝুলছে, আর নারদ কি করেছেন, বলে চোরকে বলে চুরি কর, গৃহস্থকে বলে জেগে থাক, ছুটে চলে গেছেন বর্ষানা। তার দাদাদিকে বলছেন, হে দেবী আমি আজ কি দেখেছি, আমি স্বপ্ন কি আমি কিছু বুঝতে পারছি না, নারদ ঠাকুর কি হয়েছে? বলছে কৃষ্ণ তো বলেন আপনাকে বেশি ভালোবাসে, আমি দেখছি একটা একান্ত কুঞ্জে ললিতার সঙ্গে বলছে আমি তোমাকেই বেশি ভালোবাসে, দুজনে ঝুলছে, তাই নাকি? বলছে হ্যাঁ। তখন রাধারানী এসছেন, বলে আমি সামনে যাব না, বলে ঠাকুর আমাকে রাগ করবে, বলে আমি দূরের থেকে দেখিয়ে দেব। এসে দেখেছে, ওই দেখুন কি করছি ঠাকুর, ঝুলছেই করছে। দেখে ললিতার হয়েছে রাগ, পা থম 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 পাটিতে চলে যাচ্ছে। দেখবেন আপনাকে বললাম স্পষ্ট কথা বলবো মাসি, যখন আপনাদের ঘরে দুজনের স্বামী ঝগড়া হয় কি করেন, চোখ দেখে ধম ধম করে চলে যান। আপনাদের দোষ নেই, রাধারানী শিখিয়েছেন কি, আপনাদের দোষ কিছু। তখন উনি এই আছেন, কৃষ্ণ বলছে কিসের শব্দ, রাধারানী তো নুপুরের শব্দ, এই রেগে রেগে শব্দ মনে হচ্ছে, চলে ছুটে এসে ধরেছে, বলছে তুমি আমাকে ছুবে না, বদমাস কোথাকার মিথ্যাবাদী, বলো আমি তোমাকে বেশি ভালোবাসি, আই ললিতার সঙ্গে মজা করছো, আজ তোমরা দুজনাতে ধরা পড়েছ, চুরি করে খেতে গিয়ে হাত পা ভেঙেছ, ছি 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 এ কি করেছ, বলছে তুমি বেশি বলো আমাকে ভালোবাসে, এই ভালোবাসার পরিণয় সেটা কিসব দিতে মানাতে পারছেন না, কি করেন? বলছে আচ্ছা তুমি নারদ দিয়ে সেই পাল্লায় পড়ো না তো। বলছে কেন? বলছে নারদ তো আমাকে এখানে বসিয়ে দিয়ে গেল। ললিতা দেখছে ঝুলুন, আমি কখনো ঝুলতে দেখি নাই, ওই ঝুলি দিয়ে গেছে। বলছে আচ্ছা তাই নাকি? বলছে হ্যাঁ। বলছে দেখুন নাটটি আমার নারদ ঋষি বাধাই শুধু ঝগড়া, রাধায় আর কিছু ঝগড়া বানিয়ে দিলেন, দিয়ে নারদ ঋষি হাসছেন। তখন নারদ ঋষি আবার যখন এরকম কৃষ্ণ সব মেনে নিয়েছেন, তখন নারদ ঋষি শ্রীমান রাধিকা রমন জয় রাধিকা রমন, রাধিকা রমন জয় রাধিকা রমন প্রকট হলেন। বলছে নারদ কি করলে, একটু আমার বর নিয়ে নাও। বলছে প্রভু এরকম যেমন নীলার আপনার মাঝে মাঝে আমি দেখতে পাই, রাধিকা একটু মান করবেন, তো রাধিকাও হাসছেন কৃষ্ণও হাসছেন, এরকম নারদের চরিত্র। কলিযুগে উনি শ্রীবাস পণ্ডিত রূপে, অনেক লীলা আছে আমরা আবার পরে শোনাবো, মঠে গিয়ে এই তো পর্যন্ত থাক। হরে কৃষ্ণ, খোল করতাল মাই কুঠিয়ে নিন, এখন আমরা যাবো চরণ চিহ্ন শান্ত হইয়া রত্নবেদী।